दोस्तों Realme 10 और Poco M5 दोनों मोबाइल में ही हमें MediaTek Helio G99 चिपसेट मिल रहा है, मतलब दोनों मोबाइल का ही परफॉर्मेंस लगभग हमें सेम मिलेगा। तो ये दोनों मोबाइल का बजट में बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब 4-5 हजार रुपए का डिफरेंस हमें मिल रहा है, लेकिन दोनों मोबाइल में परफॉर्मेंस हमें सेम मिल रहा है। तो दोनों मोबाइल के अंदर कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट होगा, वैल्यू फॉर मनी फोन होगा, कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए, इस बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है यह वीडियो देखने के बाद, और आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि दोनों मोबाइल के अंदर आपको कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वर्ल्ड। तो पहले दोस्तों हम जान लेते हैं दोनों मोबाइल के अंदर हमें कॉमन क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। तो दोनों मोबाइल में ही हमें मिल रहा है 5000 mAh का बैटरी, मतलब बैटरी बैकअप हमें दोनों मोबाइल में ही लगभग सेम मिलेगा। दोनों फोन में ही हमें 3.5 mm हेडफोन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों मोबाइल में ही हमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा, मतलब RAM का स्पीड और स्टोरेज टाइप का स्पीड दोनों मोबाइल में लगभग सेम ही रहेगा। दोनों मोबाइल में ही हमें प्रोसेसर भी सेम मिल रहा है, मतलब दोनों फोन में ही हमें मिल रहा है MediaTek Helio G99 प्रोसेसर। एक 6 nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz, और इसमें हमें माली G57 MCU GPU मिल रहा है। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल में ही हमें परफॉर्मेंस लगभग सेम ही मिलेगा। एक ही टाइप का आप गेमिंग परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग कर पाओगे दोनों फोन में ही। Poco M5 मोबाइल का रियर साइड में हमें मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वो है 50 मेगापिक्सल का, उसके बाद हमें एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे Realme 10 मोबाइल का रियर साइड में हमें मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वो है 50 मेगापिक्सल का, उसके बाद हमें एक 2 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है। तो दोनों मोबाइल का रियर कैमरा लगभग आसपास ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा वीडियो अच्छा फोटो आप खींच पाओगे Realme 10 मोबाइल से। Poco M5 मोबाइल के मुकाबले Realme 10 मोबाइल में आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का क्वालिटी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों दोनों मोबाइल में ही हमें मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फैसिलिटी। तो दोनों मोबाइल में ही हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट लगभग सेम है, मतलब Realme 10 और Poco M5 दोनों मोबाइल में ही हमें 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है। अभी दोस्तों जान लेते हैं हम Poco M5 मोबाइल क्यों खरीदेंगे Realme 10 मोबाइल ना खरीद के, मतलब Poco M5 मोबाइल में हमें क्या अच्छा फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों Realme 10 मोबाइल का 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 11,999 rupees। वहीं पे Poco M5 मोबाइल का 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 7,777 rupees। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सस्ते में हमें मिल रहा है Poco M5 मोबाइल Realme 10 मोबाइल के मुकाबले, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल में हमें परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप लगभग सेम मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है Poco M5 मोबाइल में Realme 10 मोबाइल के मुकाबले। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं हम Realme 10 मोबाइल क्यों खरीदेंगे Poco M5 मोबाइल ना खरीद के, मतलब Realme 10 मोबाइल में हमें क्या अच्छा फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो Realme 10 मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.4 इंच फुल HD पास सुपर एमोलेड पंच होल डिस्प्ले, और इसका ब्राइटनेस मिलेगा हमें 430 nits। वहीं पे Poco M5 मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.58 इंच फुल HD प्लस IPS वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, और इसका ब्राइटनेस हमें मिलेगा 400 nits। मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा Realme 10 मोबाइल में। AMOLED डिस्प्ले होने के वजह से Realme 10 मोबाइल का वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा Poco M5 मोबाइल के मुकाबले। Poco M5 में हमें मिल रहा है Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन, वहीं पे Realme 10 मोबाइल में हमें मिल रहा है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन। मतलब दोस्तों अच्छा ग्लास प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है Realme 10 मोबाइल में। Realme 10 मोबाइल में हमें मिल रहा है 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, वहीं पे Poco M5 मोबाइल में हमें मिल रहा है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। मतलब चार्जिंग स्पीड के तरफ देखा जाए तो Realme 10 मोबाइल आप बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाओगे Poco M5 मोबाइल के मुकाबले।
Realme 10 मोबाइल का वजन है 178 ग्राम, वहीं पे Poco M5 मोबाइल का वजन है 201 ग्राम। मतलब दोनों मोबाइल के अंदर थोड़ा हल्का मोबाइल है Realme 10 मोबाइल। Realme 10 मोबाइल का फ्रंट में हमें मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, वहीं पे Poco M5 मोबाइल का फ्रंट में हमें मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा की तरफ भी देखा जाए तो Realme 10 मोबाइल में हमें ज्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है फ्रंट में, और रियर साइड में भी कैमरा अच्छा है Realme 10 मोबाइल में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको कम बजट में सेम परफॉर्मेंस चाहिए और आपका बैटरी बैकअप भी लगभग सेम चाहिए तो आप Poco M5 मोबाइल की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपका बजट थोड़ा हाई है और कैमरा भी थोड़ा आपको बढ़िया चाहिए और बाकी सब फीचर स्पेसिफिकेशन भी आपको लगभग सेम चाहिए तो आप Realme 10 मोबाइल की तरफ जा सकते हो। आपको ये दोनों मोबाइल के अंदर कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। बाय।